माफिया लोग ऐसा राजनीति बना के रखता है कि बाकी जितने लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, सबको अगर फटाका भी मिल रहा है तो सबको अलग अलग मिलेगा, लाइट भी अगर मिल रहा है तो सबको अलग अलग मिलना चाहिए। इस तरह से जल जंगल जमीन का किस तरह से दोहन हो रहा है, तो उसी दोहन का मतलब बहाने करके माफिया लोग हम पर, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निशाना बना रहे हैं। आशीष दा है जो वन विभाग में कार्यरत हैं और यहाँ पे तमाम जगह पे जिस तरह से अभी हम सालुकडी मेला में हैं और यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, इसी बीच जो वन विभाग की तरफ से जो कुछ भी हाथी को लेकर तमाम ग्रामीण परेशान रहते हैं उसी को लेकर ये अपने स्तर से वन विभाग की तरफ से जो कुछ भी फंड आता है उससे ना लोगों को संतुष्टि मिलता है, ना इनको कोई अच्छा से कोई लाइट पटाखा वगैरह का व्यवस्था हो पाता है, लेकिन उसी को देखते हुए ग्रामीण खुश रहे और साथ में हाथी को भगाने में ये मददगार साबित हो, इसके लिए ये हमारे ग्रामवासी यानी कि सालुकडी ग्रामवासी को लाइट वितरण करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और लाइट वितरण किए जी। अब विजुअल में स्क्रीन में दिखा रहे हैं जी। दादा सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहार खतियानी, जोहार आप सभी को, सालुकडी ग्रामवासियों को सबसे। यहाँ जो हाथी की समस्या है उससे बहुत हम चिंतित रहते हैं और सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम होता है। हम देखते हैं कि जब भी हाथी का कोई समस्या होता है ये सालुकडी में हर बार आता है, तो इसीलिए हम अपने स्तर से सोचे कि जो भी विभाग से जो भी दिया जा रहा है, जो भी मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी फटाखा दिया, जो भी लाइट, उससे कुछ नहीं हो पा रहा, फिर भी हाथी आ रहा, घर तोड़ रहा, आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसी के देखते हुए, इसी स्थिति को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम खुद से फैसला किए कि नहीं, अपने स्तर से भी हमको प्रयास करना चाहिए। जो भी विभाग कर रहा है वो काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए हम अपने स्तर से मतलब आप लोग को सहयोग करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जितना हो सका मतलब आपने अपने स्तर से किया ना? बिल्कुल। अच्छा, क्या दिक्कत है वन विभाग की तरफ से जो फंड्स में? हालांकि वन विभाग की इतना तो होना चाहिए कि अगर ग्रामीण में हाथी आ रहा है, हाथी का एक सही से जगह होना चाहिए, उसको भगाने का सही ऊंचाई, जो कुछ भी एक्टिविटी होती है, जो कुछ भी उपकरण होते हैं, जो कुछ भी सामान होता है वो मुहैया कराना चाहिए, क्या कमियाँ रह रही है विभाग की तरफ? देखिए मतलब यहाँ पर कुछ अलग माफिया लोग का राजनीति चलता है, ठीक है। हम लोग तो विभाग जो भी काम कर रहा है, लेकिन माफिया लोग ऐसा राजनीति बना के रखता है कि बाकी जितने लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, सबको अगर फटाका भी मिल रहा है तो सबको अलग अलग मिलेगा, लाइट भी अगर मिल रहा है तो सबको अलग अलग मिलना चाहिए, और डीजल मोबाइल जो भी मिलता है मुआवजा भी, तो इस तरह से सबको, हर एक आदमी को जितना जनसंख्या है उस हिसाब से तो सबको देना पॉसिबल नहीं है, तो उसी बीच में हम लोग का विभाग के तरफ से भी दिया जाता है। उस अगर समिति आप बनाइएगा हाथी भगाओ, अगर समिति हाथी भगाने के लिए समिति बना जाता है हाथी, तो वन सुरक्षा समिति उसी तरह से हाथी भगाने के लिए भी समिति बनता है, तो उसमें अगर 18 मतलब मिनिमम 18 मेंबर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें जो सक्रिय रहता है कि हाथी भगाने के लिए, उन लोग अगर आवेदन देंगे कि नहीं हम लोग हाथी भगाएंगे, हम लोग निकलेंगे, तो उनको फिर मुहैया कराया जाएगा, उनको डीजल भी मुहैया कराया जाएगा, मोबाइल भी मुहैया कराया जाएगा, फटाखा भी, लाइट भी, लेकिन वो अकेले व्यक्तिगत तौर पर मतलब बहुत कम दिया जाता है, जिसके कारण वो मतलब सभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग इस तरह का स्टेप लिए हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि हाथी को किसी जगह रखने का, तो हाथी एक ओपन मतलब एनवायरनमेंट पर रहने वाला जीव है, उसको कहीं कैद करके नहीं रख सकते हैं, उसको बांध के नहीं रख नहीं देता है। हम ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि तमाम जगह पे फैक्ट्री कारखाना लग रहा है, तो वन उजड़ता जा रहा है, जिस वजह से उनका घर ही जब नहीं रहेगा तो वो बेघर होंगे, बाहर निकलेंगे, तो उनका एक सही जगह होना चाहिए, स्पेसिफिक जगह रहेगा तो भी वहीं के रहेंगे। तो हम नहीं, बात ऐसा है कि जो हाथी का जो मेमोरी होता है ना, वो तीन पीढ़ी तक, तीन जनरेशन तक, 300 साल तक, तो तीन जनरेशन तक उसका जो कॉरिडोर होता है, जो आने जाने का रास्ता होता है, उस सेम रास्ता में आना जाना करता है। तो मतलब अगर मतलब हाथी मतलब आपके गांव में आ रहा है, इसका मतलब आपको लगना चाहिए कि इससे पहले जो जिस रास्ता में आ रहा था उस वो रास्ता कहीं कभी ना कभी उसका अपना रास्ता था, लेकिन उस रास्ता में बहुत सारे घर बन गए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंपनी बन गए, जिसके कारण उनका मतलब जो कॉरिडोर है वो भटक जाता है, वो जितना कैनल वगैरह बना उसके चलते उनका कॉरिडोर डिस्टर्ब होता है, इतना बड़ा चांडिल जो डैम बना है उसके चलते भी डिस्टर्ब हुआ है, तो इस तरह से मतलब हाथी का कॉरिडोर को कहीं ना कहीं हम लोग डिस्टर्ब किए हैं। हम लोग औद्योगिकरण के चलते, हम लोग जनसंख्या के चलते, हम लोग घर बना के हम लोग उसको डिस्टर्ब किए हैं, तो वन्यप्राणी अगर है तो वन्यप्राणी हम लोग वन का सुरक्षा के लिए, वो लोग कहीं ना कहीं मतलब हाथी जितना रहता है उसके चलते माफिया लोग को मतलब वहाँ तक
जाने का साहस नहीं होता, जिसके चलते हमारा वन बचा हुआ है। अगर हाथी नहीं रहेगा तो फिर वन भी नहीं रहेगा, आप जान लीजिए। तो इसीलिए मतलब लोगों को समझना चाहिए कि भले हम लोग को अगर थोड़ा बहुत जान माल की हानि हो रही है तो वो भी हम लोग अपना गलती के चलते हो रहा है। ऐसा नहीं कि हाथी आप लोग का घर को तोड़ने के लिए आ रहा है या आप लोग का फसल को खाने के लिए आ रहा है। उसको इस तरह से मजबूर किया गया है क्योंकि जंगल कट गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। तो इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये जो बड़ी जनसंख्या है और बड़ी जनसंख्या का अनियंत्रित होकर मतलब हम लोग मतलब वन्य प्राणी के प्रति भी हम लोग मतलब संवेदनशील नहीं है, यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के लिए भी नहीं है। तो जिस कारण इस तरह का हम लोग का समस्या से मतलब हम लोग का रूबरू। आप एक वन पदाधिकारी हैं तो आपका स्टेप क्या रहता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हाथी घुस जाता है तो उसको भगाने में आप लोग सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बिल्कुल हाथी भगाने के लिए हम लोग का टीम रहता है, ठीक है। हर दिन मतलब लगभग जहाँ जहाँ हाथी रहता है वहाँ पर टीम वहाँ से भेजा जाता है और टीम के साथ मतलब जितना भी साधन रहता है सब उपलब्ध रहता है। उसमें ग्रामीण लोग हेल्प करते हैं तो उसी हिसाब से जिधर से मतलब बड़ी जनसंख्या से एक आबादी से उसको मतलब वन्य प्राणी को वहाँ से विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है, उसको हटाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ऐसा है कि ओपन जो फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट जैसे साल के जंगल जो कट रहे हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि साल का जो डेंसिटी होता है, साल के दो साल के पेड़ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में आपका हाथी नहीं घुस सकता है। लेकिन वही साल जो कट रहे हैं, बाकी छोटा छोटा जो जंगल हो रहा है तो वहाँ पर फिर हाथी आराम से घुस जाता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है कि साल के जंगल को नहीं काटें और मतलब साल के जंगल को मतलब और अगर हो सके तो साल का पौधे लगाएं जिससे कि हम लोग हमारे हाथी का समस्या से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह का पहल क्यों उठाए कि अपने स्तर से अपना खर्चा करके लोगों को लाइट वितरण करेंगे, जगह जगह पर जाके तमाम जगह को लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें कि इस तरह की घटना आएगी तो आप इस तरह से बच सकते हैं? तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी वन विभाग से जुड़े हुए हैं और हम देखते हैं कि हम अगर झारखंड के लिए अगर हम लोग इतना एक्टिव हैं, झारखंड मतलब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ मतलब जयराम दा के आदर्श को लेकर पूरी झारखंड जगा हुआ है। तो उसमें अगर हम लोग माँ माटी मानुष के लिए सेवा के लिए अगर हमें अगर चुना गया है इस जल जंगल जमीन को रक्षा के लिए, तो हम लोग जल जंगल जमीन को रक्षा करने में कहाँ तक सक्षम हो, कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि हाथी का समस्या के चलते मतलब माफिया लोग का मतलब जो मतलब एक होता है मतलब उसका दबाव बढ़ते जा रहा है फॉरेस्ट पर, क्योंकि वो लोग मतलब जब भी कभी हाथी कोई मारता है किसी को या कोई मतलब कोई मतलब जो भी फसल खाता है या जो भी करता है तो उसमें माफिया लोग फिर राजनीति करने लगता है कि नहीं देखिए इसका मुआवजा नहीं मिला, इसका ये किया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग पर दबाव बनता है, फिर हम लोग फॉरेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए फॉरेस्ट और पब्लिक के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करना हमारा परम कर्तव्य होता है, क्योंकि हम पब्लिक का दुश्मन नहीं है लेकिन मतलब पब्लिक हमें दुश्मन समझता है। जब भी कोई हाथी कभी किसी को मारता है या किसी को घायल करता है या मतलब जो भी फसल खाता है तो उसको बोलता है कि फॉरेस्टर को बांधो, गार्ड को बांधो, ये इस तरह से फॉरेस्टर को पीटो, फॉरेस्टर को मारो। तो इस तरह से मतलब एक हमारे मतलब पब्लिक के साथ हम गाँव वाले के साथ हमेशा मिले हुए हैं। कोई भी काम देखिएगा, प्लांटेशन होता है, कुछ भी काम होता है तो गाँव वालों का सहयोग से ये मतलब कराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ भी घटना घटने के बाद आप लोग लेट से आते हैं और उस चीज़ को सही से मुआवजा वगैरह दिलाने में दिक्कत होती है? नहीं, हम लोग को जब सूचना मिलता है, और देखिए हम लोग के पास तो कोई मतलब उस तरह का पुलिस लोग के पास जितना हथियार रहता है या जो भी रहता है, यहाँ तक कि पुलिस लोग का हथियार रहने के बाद भी वो लोग नहीं पहुँचता है उतना जितना हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जितना भी कर्मचारी है वो पब्लिक के साथ ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ ही हमें काम करना पड़ता है। वो लोग सिर्फ वर्दी चमकाता है और मतलब फिर उतरता है और कहीं ना कहीं उन लोग का संरक्षण में बहुत सारा चीज़ होता हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं बालू उड़ रहा है, पत्थर उड़ रहा है, जंगल भी जो भी है, लेकिन मतलब अगर मतलब पूरा पुलिस विभाग अगर हमारा सहायता करेगा, सहयोग करेगा, सीओ बीडीओ जितना मुखिया सरपंच जितना ग्राम सभा, तो ग्राम सभा अगर मजबूत हो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को भी मजबूत किया जाता है। पाँचवीं अनुसूची के तहत हमारा झारखंड राज्य आता है लेकिन पाँचवीं अनुसूची में आने के बाद भी हमारा ग्राम सभा मजबूत नहीं है, मुखिया लोग का पावर नहीं है। तो इस तरह से जल जंगल जमीन का किस तरह से दोहन हो रहा है, तो उसी दोहन का मतलब बहाने
करके माफिया लोग हम पर हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निशाना बना। आप बोल रहे हैं कि हमको दबाव दिया जाता है, तो आप अपने वरीय पदाधिकारी को क्यों ये सब कंप्लेंट? वरीय पदाधिकारी को भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि वो लोग बाहरी होता है, ठीक है, वो लोग बाहर से आए हुए हैं, तो उनको हमारा जल जंगल जमीन से कोई मतलब नहीं रहता है। वो लोग भी थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ का माफिया लोग मतलब फिर उसमें भी राजनीति करके वो लोग मारपीट करवाता है या कुछ मतलब, तो वो लोग फिर अपने खुद को बचाने के लिए 2-4 रुपया लेके मतलब उस तरह से समझौता कर लेता है। तो लेकिन ऐसा हमारा थ्योरी नहीं होना चाहिए ना, अपना हम लोग इसी माटी के संतान है, शहीद अजीत धनंजय के माटी के संतान है, और हम लोग को अगर इसी एरिया में अगर रखा गया है इसी माटी के सेवा के लिए, और यहाँ पर अगर हम लोग जंगल को बेचने में लगे रहेंगे तो ये फिर किस तरह का न्याय रहेगा? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं हमारा अगर जो भी फॉल्ट है तो उसको फिर दूर किया जाना चाहिए। तो इसीलिए हम अपने स्तर से एक पहल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में जाके जिसको भी जरूरत है, अगर हमारे स्तर से अगर जो भी हो सके हम सहायता पहुंचाएंगे। अगर लाइट दे सकते हैं तो लाइट भी देंगे, फटाका दे सकते हैं फटाका देंगे, मोबाइल दे सकते हैं तो मोबाइल देंगे, जो भी वन विभाग से भी मतलब अपने स्तर से भी एक फॉरेस्ट और पब्लिक के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए मतलब एक सोशल पुलिसिंग, सोशल फॉरेस्टिंग जो होता है, सोशल पुलिसिंग जो होता है, पुलिस वाले जो जैसे गाँव में आके बहुत सारा काम करते हैं सोसाइटी के साथ, उसी तरह से हम लोग भी करना चाहते हैं। जी जी दादा, आपके इस सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे